कि जब भी आप स्पिनर खेल रहे हो आपको हमेशा सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है। इस आई के तरफ जो भी बॉल आएगा या इस आई के बाहर जो बॉल आएगा वो है, अगर ये डाल रहा है तो ये अच्छा याद रखना कि वो स्पिनर नहीं है। आप स्पिनर को नहीं खेल रहे हो किसी स्लो। सो हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मॉडर्न डे क्रिकेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्ले स्पिन के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था कि भाई स्पिन को कैसे खेले। पेस बॉलर को खेलना फिर भी आसान है कि भाई सीधा सीधा बॉल आता है, लाइन एंड लाइन जज करना है, स्टार्टिंग थोड़ा सा स्विंग करेगा, स्विंग को डील कर लो, पेस बॉलर सॉर्टेड है। पर भाई स्पिन, लाइन लेंथ भी जज करना, फ्लाइट भी जज करना है, टर्न किस तरफ कर रहा है वो भी जज करना है कि भाई कौन सा अंदर आ रहा, कौन सा बाहर रह रहा, कौन सा सीधा रह जा रहा। तो स्पिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कॉम्प्लिकेटेड था, अब नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपका स्पिन खेलना, एक बच्चों का खेल लगने लगेगा आपको, क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मुझे खुद आईपीएल के एक कोच ने मुझे बताया था। वो रॉबिन उथप्पा एंड अजिंक्य रहाणे के पर्सनल कोच भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स बताए थे, ऐसे ट्रिक्स बताए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। एंड आज की वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 2000। इसके पहले के पहले वीडियो में मैंने रखा था 800, वो आपने एक दिन में ही करा दिया। इसके बाद रखा 1000, वो भी एक दिन में ही करा दिया। एंड आई एम श्योर इसे भी आप एक ही दिन में करा दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली पांच चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, स्पिनर्स के अगेंस्ट चांस कैसे लेना है। नंबर टू, जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि लाइन लेंथ कैसे जज करना है। नंबर थ्री, वो प्रो टिप आपके साथ शेयर करने वाला है, वो लेजेंडरी टिप जिसको समझने के बाद बच्चों का खेल लगने लगेगा स्पिन आपको। नंबर फोर, स्पिन खेलते समय आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको क्या सोचकर बैटिंग करना है। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारा ड्रिल्स रहेगा कि कौन से ड्रिल्स आप करके स्पिनर्स पर मास्टरी हासिल कर सकते हो। चलिए अपने फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं जो कि है स्टांस। कि आपको स्टांस में नॉर्मली खड़ा होना है एंड जितना हो सके आपको लो रहना है। आपका जो बैट रहेगा वो नीचे रेस्ट करेगा, क्योंकि जब आप बैट नीचे रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर भी डाउन जाता है। शोल्डर डाउन गया मतलब आपका बॉडी भी डाउन गया, बॉडी डाउन गया मतलब आंखें भी आपकी डाउन गई है। एंड जैसे ही आपकी आंख नीचे होती है ना, तो आप लेंथ अच्छा जज कर पाते हो, फ्लाइट अच्छा जज कर पाते हो। तो इसलिए आपको स्पिनर में हमेशा बैट को नीचे रखना है। ये जैसे ही बॉलर अपने डिलीवरी स्ट्राइड पे आए, आपको जो इनिशियल लेना है उसमें आपको ऐसे बैकलिफ्ट पीछे ले जाना है। गॉट इट? तो स्टांस में ये ध्यान रखना है आपको। एंड इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो कि इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, क्योंकि उस इंटरनेशनल कोच ने मुझे एग्जैक्टली क्या क्या कहा था एंड क्या क्या अमेजिंग टिप्स बताए थे वो सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में शेयर किया। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जजमेंट। अब बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई जो सामने बंदा खड़ा है वो ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर है, मतलब गिर के बॉल अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आप कीपर से पूछ सकते हो। आप जब बैटिंग करने गए हो मैच में तो आप अपने कीपर से पूछ सकते हो कि भाई क्या डालता है ये। बहुत से कीपर थोड़े बदमाश भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये राइट आर्म खतरनाक डाल रहा है, राइट आर्म ये डाल रहा, मतलब इस तरह की उल्टे सीधे आंसर आपको करने लगेंगे। तो ऑब्वियसली वहां से सही आंसर नहीं मिल पाएगा आपको, या फिर अगर उनको पता भी होगा तो वो कुछ उल्टा बताएंगे सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो अगर कीपर से पता नहीं चला तो आप ध्यान दो, कोई भी बॉलर बॉलिंग में आने के पहले थोड़ा सा शैडो करता है अपने किसी पार्टनर को ना, वो बॉल डाल रहा होगा तो वहां पर भी आप देखकर पता लगा सकते हो कि वो जो शैडो कर रहा है वो लेग स्पिन डाल रहा है वहां पर कि ऑफ स्पिन डाल रहा है। अगर वहां से ही पता ना चले तो फिर तो लास्ट ऑप्शन है, आप यहां से देख सकते हो। अगर इस तरह से छोड़ रहा है तो बॉल लेग स्पिन होने वाला है, अगर आप राइटी हो तो आपके लिए बाहर निकलेगा। अगर ये डाल रहा है तो ये ऑफ स्पिन है, अगर आप राइटी हो तो बॉल आपके लिए गिर के अंदर आएगा। गॉट इट? अगर यहां से समझ ना आए तो पहला बॉल बड़ा पैर निकाल कर बॉल के पिच के पास पहुंचकर डिफेंड कर दो, क्योंकि एक बॉल आप डिफेंड कर दोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये लेग स्पिनर है कि ऑफ स्पिनर है। अब बात करते हैं कि लाइन कैसे जज करेंगे कि किस लाइन में बॉल आ रहा है। अब नॉर्मली जब चांस में खड़े रहोगे तो आपको अपना हेड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपके शोल्डर्स के ऊपर। गॉट इट? चांस में खड़े ये, अब हेड आपका है कैमरा, अगर कैमरा सही रहेगा तो सामने पिक्चर है, पिक्चर भी सही आएगा, राइट? अगर आपका कैमरा हिला तो सामने पिक्चर जो है वो पिक्चर भी हिला हुआ आएगा। आप किसी को फोटो खींचने देते हो, मान लो आपने छोटे भाई को फोटो खींचने दे रहे हो, उसने कैमरा हिला दिया, आपका फोटो भी खराब आएगा। तो वही चीज है, आपका हेड है कैमरा, कैमरा हिला फोटो खराब हो जाएगा। तो आपको अपना कैमरा स्ट्रेट रखना है, अपना हेड स्ट्रेट रखना है। अब
अपने हेड से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब ये सीधा सीधा लाइन, इस आई के तरफ जो भी बॉल आएगा ये इस आई के बाहर जो बॉल आएगा वो है ऑफ स्टंप का बॉल, हेड के लाइन में आ रहा है तो वो मिडिल स्टंप लाइन है, आपके अंदर वाली आंख के इस तरफ आ रहा है तो ये लेग स्टंप का लाइन है। यहां से आपको लाइन प्रॉपरली जज हो जाएगा। नए बॉल में जब कोई स्पिनर नए बॉल से बॉल डालने आता है तो उसका बॉल ड्रिफ्ट करता है, हल्का मूव करेगा, हल्का स्विंग करेगा, ठीक है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, आपको जितना हो सके लेट खेलना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि उसने रिलीज की ऑप्शन के बाहर पर आप तक आते आते वो ड्रिफ्ट करके बॉल लेग स्टंप में फिनिश होता है, तो उस पर आपको ध्यान से खेलना है, गॉट इट। और जब भी कोई स्पिनर न्यू बॉल से बॉल डाल रहा है तो हमेशा याद रखना कि वो स्पिनर नहीं है, आप स्पिनर को नहीं खेल रहे हो, किसी स्लो मीडियम पेसर को खेल रहे हो जो बॉल आकर धीरे से रिलीज कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई स्पिनर न्यू बॉल से बॉल डाल रहा है तो हमेशा याद रखना उसका बॉल स्पिन नहीं करेगा, क्योंकि नया बॉल जो रहता है वो गिर के स्किट होता है, बॉल जब पुराना हो जाता है तब वो पिच में ग्रिप करता है, ग्रिप करके टर्न करता है, राइट, नया बॉल हमेशा स्किट करेगा। तो अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर आ रहा है, अगर वो इस तरह से बॉल डाल रहा है तो बॉल गिर के एंगल के साथ ड्रिफ्ट होके आपके लिए बाहर निकलेगा, ऑफ स्पिनर का बॉल, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हो। अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है, जनरली लेफ्ट आर्म स्पिनर का गिर के बॉल क्या होता है, आपसे बाहर जाता है, टर्न करता है बाहर, पर बीइंग अ राइट हैंड बैट्समैन अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है तो बॉल गिर के आपके लिए अंदर ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल से ड्रिफ्ट होता हुआ अंदर आएगा, यहां पर वो टर्न नहीं कर रहा है, गॉट इट। तो जब भी आप नए बॉल से खेल रहे हो हमेशा याद रखना बॉल ड्रिफ्ट जरूर करेगा, स्विंग जरूर करेगा। तो लाइन समझ गए, अब बात करते हैं लेंथ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आपको स्टांस में इस तरह से नीचे रहना है, जब आप नीचे रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें भी नीचे जाती है, जैसे आपकी आंखें नीचे गई तो आप प्रॉपरली फ्लाइट जज कर पाओगे। अपनी आंखों से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, जैसे मैं साइड से दिखा रहा हूँ, मैं इधर बैटिंग कर रहा हूँ, मेरा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रहा है आंखों से लेकर वो सामने विकेट तक, ठीक है। अब इस लाइन से जहां बॉल थोड़ा भी ऊपर आए तो मुझे जाना है आगे, क्योंकि वो फ्लाइटेड डिलीवरी है, ठीक है। आप स्टेप आउट भी कर सकते हो, जगह पर भी खेल सकते हो बॉल के फ्लाइट के हिसाब से, ज्यादा फ्लाइटेड है तो स्टेप आउट कर जाओ, कम फ्लाइटेड है तो नॉर्मली जगह पे खड़े होकर खेलो, ठीक है। अगर बॉल उस इमेजिनरी लाइन से अगर डिप कर जाता है तो आप या तो बैकफुट जाके खेलो या तो फिर जगह में रहकर खेलो, गॉट इट। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि एक अल्टीमेट प्रो टिप है, वो ये है कि जब भी आप स्पिनर खेल रहे हो आपको हमेशा सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो बॉल के पिच तक पहुंच जाओ या तो बॉल से बिल्कुल दूर रहो, गॉट इट। फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो, या तो बॉल के पास पहुंच जाओ, बॉल को टर्न होने ही मत दो, या तो बिल्कुल पीछे रहो और बॉल को बोलो भैया जितना टर्न होना है हो ले। इससे होगा ये कि आप कभी भी हाफ कप में नहीं फंसे रहोगे। मैं एक बार प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, हम जनरली स्पिनर में क्यों फंसते, स्पिनर में आउट क्यों होते, क्योंकि हम गेसिंग गेम में चल जाते हैं, मतलब हम उम्मीद कर रहे होते हैं बॉल से कि वो हमारे हिसाब से टर्न करे, बॉल पिच हुआ यहां पर तो हम यहां से डिफेंस करते हैं, मतलब बॉल पिच हुआ यहां पर और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं बॉल से कि हम, मैंने जहां पर बैट रखा है बॉल वहीं पर आकर लगे। बॉल अगर हमारे एक्सपेक्टेशन तक खड़ा नहीं उतरता है, अगर बॉल हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं आता है एंड वहां से टर्न कर जाता है तो बॉल यहां से आ रहा है एज लगकर चल जाएगा। तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने, उम्मीद नहीं रखनी है, आपको खुद से बॉल की तरफ चढ़कर जाना है कि उसको टर्न होने का मौका ही मत दो, या तो बिल्कुल पीछे से खेलो, क्योंकि अगर हम बॉल से एक्सपेक्टेशंस रखते, उम्मीद रखते तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर हमें धोखा मिल सकता है। ये मतलब एक मैं लाइफ लेसन दे रहा हूं आपको कि भाई एक्सपेक्टेशंस चाहे बॉल से रखो या किसी इंसान से रखो, अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसके पास एक ऑप्शन होता है आपको धोखा देने का, गॉट इट। तो इसलिए अगला धोखा ना दे, ये इंश्योर करने के लिए सारा कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है। वो कंट्रोल कैसे लोगे हाथ में, पूरा बॉल के ऊपर चढ़ के, टर्न होने का मौका ही मत दो। कितना टर्न होगा, हल्का, देखो जितना ज्यादा आप बॉल से दूर रहोगे उतना ज्यादा उसको टाइम मिलेगा, एरिया मिलेगा टर्न होने का, पर जितना सामने चल जाओगे दबा दोगे तो ना टर्न होने का मौका मिलेगा, तो आप डोमिनेट करोगे बॉल के ऊपर, आप अपने हिसाब से बॉल को खेल पाओगे। या तो चढ़ के प्रॉपर ड्राइव मार दो या फिर बिल्कुल पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे होकर पंच कर दो। उससे होगा ये कि आप जब इस बॉल को बैकफुट में खेलोगे तो आप बॉल को अलाउ कर रहे हो कि जितना टर्न होना है हो ले, आप तक आएगा तब तक को पता चल जाएगा कि बॉल वो अंदर आ रहा है कि बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो बैकफुट पंच, अंदर आ रहा है तो यहां से पैर खोल के यहां पर सिंगल डबल के लिए
बॉल को आप गाइड कर दोगे। एंड बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स यही टेक्निक को यूज करते हैं और स्पिनर्स को बहुत ही आसानी से खेलते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप स्पिनर को हल्का खिंचा हुआ बॉल ही बैकफुट जाकर बढ़िया पंच पंच मारने लग जाओगे ना भाई, स्पिनर पागल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो बेस्ट बॉल है उसका। वो जो स्पॉट बॉलिंग कर रहा है वो प्रॉपर वही स्पॉट है, उसी में स्पॉट बॉलिंग को दिन भर उसी पे मेहनत किया है। पर अभी आप क्या कर रहे हो कि उसके स्पॉट बॉलिंग को ही आप बिगाड़ दे रहे हो, आप उसी को बैकफुट जाकर पंच मार दे रहे हो, तो वो पागल हो जाएगा। उसको लगेगा कि वही कोई गलती कर रहा है बॉल डालने में, उसको लगेगा कि वो शॉर्ट बॉल डाल रहा है। एंड उस शॉर्ट बॉल को ठीक करने के लिए वो बॉल और ऊपर डालेगा, जो कि हमारे लिए एक जूसी हाफ बॉल ही बन जाएगा, जिसको हम आराम से पैर निकाल के कड़ाके वाला कवर ड्राइव मार सकते हैं। सो ये माइंडसेट, ये मेंटालिटी अगर आप यूज करते हो तो आप ऑटोमेटिकली स्पिनर के सोच से एक स्टेप आगे चल जाते हो। ये जो मैंने टेक्निक बताई, ये जो ट्रिक बताई है, सिर्फ और सिर्फ स्लो बॉलर्स के अगेंस्ट यूज करना है, कभी भी हम क्विक बॉलर के अगेंस्ट ये यूज नहीं करेंगे। मान लो अगर रविंद्र जडेजा जैसा कोई बॉलर है जो कि क्विक फेंकता है, तो उसमें हम फट से पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्विक स्पिनर में हम खिंचा हुआ लेंथ को पीछे जाते हैं तो वो सट से स्किट होकर आ जाएगा एंड हमें टाइम ही नहीं मिलेगा एडजस्ट करने का। तो इसलिए जो तेज फेंकता है उसमें हमें आगे जाना है, पर जो स्लो फेंक रहा है, जैसे फ्लाइट दे रहा है बॉल को, उसमें ये वाला टेक्निक, ये वाला ट्रिक आपको अप्लाई करना है। गॉट इट? अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आप स्पिनर्स को फेस करते हो। नंबर वन, जो स्पिनर जितना ज्यादा धीरे छोड़ेगा, जितना ज्यादा फ्लाइट देगा, उसका उतना ज्यादा टर्न करेगा। एंड जो स्पिनर तेज तेज बॉल डालता है उसका उतना ज्यादा टर्न नहीं होगा, उसका गिर के बॉल स्किट करेगा। तो आपको रेडी रहना है स्किटी डिलीवरीज के लिए। पॉइंट नंबर टू, जब भी आप इनकमिंग बॉलर को खेल रहे हो, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसको हमेशा कोशिश करना है स्ट्रेट से लेकर स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का। एंड जब भी आप आउटगोइंग बॉलर खेल रहे हो, उसको कोशिश करना है स्ट्रेट से लेकर पॉइंट की तरफ खेलने का, मतलब इस रीजन में खेलने का, सो दैट आप विद द स्पिन खेलो और एक सेफ बैटिंग करो। सो अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, जो कि है ड्रिल्स। तो चैंपियंस, इस ड्रिल में आपको अपने पार्टनर को खुद से 10 टू 15 स्टेप्स दूर खड़ा कर देना है एंड उनसे कहना है कि बस स्पिन करे, बॉल को रिलीज करे। इसके आपको 30 रिपीटेशंस करने, दो सेट। तो क्रिकेटर्स, आपने देखा कि इस ड्रिल को किस तरह करना है, एंड यही था आज की वीडियो के लिए। होपफुली बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो लगी हो आपको। एंड आई एम श्योर अगर ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख कर बैटिंग करते हो तो स्पिनर में मास्टरी हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो आपको क्रिकेट से रिलेटेड। एंड ऑल्सो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में स्पिनर्स सबसे बेस्ट कौन खेलता है ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने अपने गेयर्स कहाँ से लिए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।